हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू ब्लॉगर वर्ल्ड प्रेस लागर। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर पे। रेवोल्यूशन स्लाइडर के जो टेम्पलेट होते हैं वो हम फ्री कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उनको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और अपनी साइट पे हम कैसे लगा सकते हैं। तो बेसिकली रेवोल्यूशन स्लाइडर जो होता है, अगर हम उस पर काम करते हैं, खुद जाके क्रिएट करते हैं, तो वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसको रिस्पॉन्सिव करना, उसको बनाना, उसके अंदर एलिमेंट्स को कॉल करना और उनको रिस्पॉन्सिव करना, मोबाइल पे लादा, डेस्कटॉप पे लादा और टैबलेट्स पे लादा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बन तो जाता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्यों ना हमें कुछ बने बनाई चीज़ें मिल जाएँ जिनको हम अपनी साइट पर लगा के और उसके अंदर हम अपने कॉन्टेंट की जो मॉडिफिकेशन है वो कर लें और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए और चीज़ भी जो है इनमें रेवोल्यूशन स्लाइडर जो टेम्पलेट है वो हमें एक रिस्पॉन्सिव मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए और जो है ना हमें पे भी ना करना पड़े, फ्री में बने बनाए टेम्पलेट्स हमें मिल जाए। तो उसके लिए हमें एक साइट मिलती है, साइट के लिए हम चलते हैं यहाँ पे मेरे पास। अच्छा, उस पर ना होता ये है कि आपके पास जो है उस पर एक जीमेल पे आप सिर्फ उसका एक टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बना लिए, तो मैं यहाँ से एक एक करके जो मुझे टेम्पलेट चाहिए होगा वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक मेरे पास है, यहाँ क्लिक करें जी रेवोल्यूशन, हाँ ये मेरे पास है, ठीक है। ये रेवोल्यूशन स्लाइडर टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड हमने लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइडर टेम्पलेट की साइट है और उसके साथ ही 100 फ्री स्लाइडर टेम्पलेट्स हैं। ये हमने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगी तो हमने इस पर साइन इन करना है और साइन इन के लिए ये होगा कि हमें जो है ये देखें, ये नीचे सारे जो है हमारे पास टेम्पलेट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रो हैं यानी पेड हैं और कुछ जो है वो फ्री हैं, तो हम फ्री वाले जो है ये बने बनाए और रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स हैं हम डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट फॉर फ्री, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री के लिए ये मिल रहा है और अनलिमिटेड डाउनलोड्स के लिए आपको $11 जो है वो पे करने पड़ते हैं, $12। तो हम क्या कहते हैं, हम साइन अप कर लेते हैं फ्री के लिए, ठीक है। इसमें साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद जनाब यहाँ पे आप ईमेल और पासवर्ड देंगे। सपोज जी मैं दे देता हूँ यहाँ पे wplogger@gmail.com और पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसे ना दे दिया है तो वो कहते हैं जी नाउ यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। यहाँ पे मैं वही wplogger@gmail.com दे दूँगा और जो मैंने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड लगा दूँगा। तो मुझे यहाँ पे इसने ये नहीं कहा जी आप इसको जो है आप वहाँ पे जाएं और एक्टिवेट करें या आप अपनी जीमेल को चेक करें, वहाँ से जो है इसको आप वेरिफिकेशन करके हैं। वो इधर ही आप कोई भी ऐसे डमी सा भी कोई जीमेल लगा के पासवर्ड लगा के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ फ्री लिमिटेड, ये है जैसे ये है और ये हमारे पास ये आ गया, इस तरह के जो टेम्पलेट्स हैं ये हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया, उसके बाद दी ओरिजिनल जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है। तो ये जो प्रीमियम है ये हमें परचेज करने पड़ेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे फ्री लिमिटेड में आ रहा है तो वो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक डाउनलोड करता हूँ और उसको हम वेबसाइट के अंदर कॉल करते हैं, देखते हैं जी हमें ये जो है कैसा मतलब यहाँ पे शो होता है हमारे पास और क्या रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल पे भी चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे भी चेक कर लेते हैं इसको। तो ये एक है मेरे पास ना, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, ये न्यू फैशन के नाम से ये मेरे पास यहाँ पे ये देखिए मेरे पास डाउनलोड हो गया। इसको शोइंग फोल्डर करते हैं और मेरे पास यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, कंट्रोल ये मेरे पास था और शाह के नाम से इसको कट करते हैं यहाँ से और अपने चलते हैं फोल्डर के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास टाव शॉप के नाम से टेम्पलेट आ गया, इसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर कॉल करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कैसा लगता है ये हमें। तो मेरे पास यहाँ पे हम अपनी जैसे साइट पर काम कर रहे थे, मैं यहाँ पे करता हूँ जी इसको कस्टमाइज़ करते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड में चलते हैं
और डैशबोर्ड के अंदर जो है हम रेवोल्यूशन, ये भी रेवोल्यूशन स्लाइडर ही लगा हुआ है, ये जो है ये हम मैंने खुद बनाया था। तो अभी मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया तो उसको देखते हैं वो हमें कैसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है ये स्लाइडर रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं और हमें मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक ये देखें वो जो मैंने बनाया हुआ था ये है। ठीक है, हम एक और जो अभी हमने डाउनलोड किया उसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ से और उसको हम देखते हैं ये हमें ये कैसा लगता है, कैसे शो होता है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो ये हमारे पास है टावर शॉप के नाम से। ठीक है, इसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और फिर चलेंगे अपनी साइट के अंदर। यहाँ पे लोकल होस्ट न्यू साइट, ठीक है, और इसी को ही हम एडिट कर लेते हैं। ये जो होम पेज है इसके अंदर हम जो डाउनलोड करके आए हैं ये वाला हमने इंपोर्ट भी कर लिया है। ये अब अपनी साइट में शो करा के देखते हैं कि जी वहाँ पे हमें कैसा डिस्प्ले होता है। तो मैं यहाँ से इसको जो है फिलहाल इसको उड़ा देता हूँ यहाँ से ना, और यहाँ पे कॉल का करते हैं दोबारा रेवोल्यूशन स्लाइडर, ये स्लाइडर रेवोल्यूशन 6 जो है। ठीक, ये सीधा हमें यहाँ पे लेके आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये इधर इंपोर्ट हो जाएगा। इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करके यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं जी हमें ये कैसा शो करवाता है काम, तो टेम्पलेट हमें जो है सही मिला है या नहीं मिला। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी, ये देखिए। ठीक है, जो हम रिस्पॉन्सिव भी है और ये हमारे पास ये दूसरी इसकी स्लाइड है और ये इसकी जो है ये तीसरी, उन्होंने यहाँ पे वीडियो लगाई हुई है। ये देखिए, ये तो बहुत प्यारा जो है ना लग रहा है। तो अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं इसको ये देखते हैं, हम रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं। इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये है और यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिव मिलता है। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ तो ये देखें, ये हम ये मेन स्लाइड जो ये देख लेते हैं। तो ये अब हम ऐसे ऐसे जी स्मॉल साइज़ पे जा रहे हैं, लाइक दैट उसमें टैबलेट भी आ जाता है, इसमें मोबाइल भी आ जाते हैं और ये देखें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव और ज़बरदस्त किस्म का जो है हमें ये शो करवा रहे हैं। ये देखें, वाह ऑसम, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे दूसरी स्लाइड को देखते हैं, ये तकरीबन मोबाइल साइज़ पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी जो है इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं और ये टेक्स्ट जो है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े की चीज़ मैंने आपको बताई है और शायद मैं भी आपको और कोई और शायद ना बता सके या किसी ने ना बताया, ये बहुत ऑसम चीज़ मैंने बताई है। तो इसके रिवार्ड में मुझे ये चाहिए होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। अगर आपके पास रेवोल्यूशन स्लाइडर जो है टेम्प जो है बेसिकली प्लगइन है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे वो कमेंट में कह सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको बताई है। तो इस तरह की मैंने और भी काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बतानी है और उसके उन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप विद इन आवर्स अपनी साइट को जो है वो बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब एक ही दिन के अंदर आप अपनी एक साइट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मज़े की चीज़ें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो आपको ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मिलते रहें। ठीक है जी, थैंक यू।